हटो। दीपक तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। क्या हाँ बात कर रहे थे? अरे जसलीन, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे नाम मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, अनूप जलोटा ऐसे एक कैटेगरी के नाम के लोगों के साथ जुड़े हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझ जैसे एक लॉस एंजलिस के स्ट्रगलर के साथ तुम्हारा नाम जुड़ना नहीं चाहती हो। तुम्हें एक ऐसे बात लगता है? बताओ दीपक, थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो सबसे। हाँ देखो, जब बंदे के पास फेम आता है तो डेफिनेटली टशन तो पीछा करती ही है। पहले मैं फेमस नहीं था, इसीलिए मैं मेरे फैंस की बहुत ही तारीफें करता था, लेकिन अब मैं उस मकाम पे हूं कि मैं मेरे फैंस को उठ या बैठ कह सकता हूं। तो जब मुझ में इतनी सारी शक्तियां हैं तो फिर मैं उनकी जूती क्यों बनूं भला? एक सेकेंड, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन थोड़ा सा मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ। पहली बात तो हाय एवरीवन, जितने सारे दीपक कलाल को यहाँ पे प्यार करते हैं उन सबको हेलो। और दूसरा ये कि जितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनको कॉल पे लो और गालियां कम सुनो और उनसे प्यार से बात करो। किसी दिन तो अच्छी लाइफ करो। ये सब क्या है? ये सब लाइव ऑन करते ही फैमिली के साथ सुनाई नहीं जाता, गाली गलौज शुरू हो जाती है, सामने वाले लोग इतनी गालियां दे रहे होते हैं। एक्चुअली पहले मैं बिल्कुल भी गाली नहीं देता था, लेकिन जब लोगों ने मुझे गाली देना शुरू किया तो मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कि वो गाली बहुत ही गंदी थी। तो जब मैंने ऐसे सोचा कि ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं तो फिर मैं चुप्पी क्यों साधू भला, और इसीलिए मैं भी बौछारे करने लगा गालियों की। तुम उन्हें भी समझाओ कि मैं भी एक इंसान हूं, जब मुझे मेरी मामा के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर गालियां निकालते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है। मेरी दादी माँ को मैंने टाइटैनिक डिजास्टर में गवा दिया, जब वो जहाज पेरिस से लंदन जा रही थी टाइटैनिक में, तो मेरी ग्रैंड दादी माँ उसमें मर गई और उसके बारे में तक लोग बुरा कहते हैं। मेरी जो दूसरी दादी माँ थी वो फरारी में उसकी मौत हो गई, उसके बारे में तक गंदा बोलते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? ओके दीपक, देखिए जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जो भी है दीपक, जिस तरह का भी मजाक करे या जो भी करे, इस तरह की बातें जो करते हैं, इस वजह से आई डोंट थिंक इस बात पे कोई गाली देने वाली बात है। थोड़ा सा लोग भी गाली नहीं दे, और दीपक तुम भी लोगों को इतना प्रोवोक मत किया करो कि जो गाली देते हैं वो दीपक को प्लीज माँ एंड ऑल को मत दो। माँ के बारे में, पापा के बारे में इस तरह की बातें नहीं करो। अगर आपको दीपक से प्रॉब्लम है तो उनको गाली दो, और दीपक तुम भी थोड़ा सा अपना जो लाइव है इसको थोड़ा सा सुधार लो। अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे लोगों को लो, और गाली गलौज कम करो तो फैमिली के साथ देखा जा सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ। बाकी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत हंसते हैं लोग और बहुत एंजॉय करते हैं। मैं तो बता भी चुकी हूँ, मेरा भाई भी बहुत पसंद करता है तुम्हारे वीडियोज देखकर। ठीक है, थैंक थैंक यू वेरी मच जसलीन, और हम सब ने आपको बिग बॉस में देखा और थैंक आपने बिग बॉस में बहुत बहुत रंग भरे, यहां तक कि आपके खूबसूरती के ऊपर बिग बॉस में कविताएं रची गई। आज तक जैसे इतने बड़े चैनल में आपके बारे में कविताएं रची गई, और आज भी आप सुर्खियों से भरी पड़ी हो। जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर एबीपी न्यूज, आज तक हर जगह पे रोज हमें आपके बारे में खबरें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे आज ही मैंने मोबाइल क्या खोला तो सबसे पहले मोबाइल पे पॉपअप हुआ कि जसलीन मथारू अब सिंगल है और वो बिल्कुल मिंगल होने के लिए तैयार है, क्योंकि जसलीन मथारू की कुंडली मैच न होने के कारण अभी वो सिंगल है। और तुम्हें पता है मेरी मामा बहुत खुश है, अच्छा, इस बात से खुश है। और इसीलिए मेरी मामा तुम्हें लॉस एंजलिस आने का न्योता दे रही है। तो जसलीन, अब मैं शादा करने के लिए बिल्कुल सिंगल हूं। नहीं दीपक, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की एक सिलेक्ट करेंगे, बहुत ही प्यारी सी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगी। ठीक है, हम सब तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। अरे नहीं, मुझे आपसे ही शादा करना है। आप अभी बिग बॉस सेलिब्रिटी हो इसलिए आप मुझे मना कर रही हो। नहीं, पर देख रहे हैं दीपक के लिए प्लीज, और दीपक शादा करने के लिए तैयार है। मैं थोड़ी देर अब सिंगल ही रहना चाहती हूँ, तो छोड़ दो मुझे। लेकिन बाकी लोग सारे तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की।
और तुम सबको जरूर बताना कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, ठीक है? तुम्हें क्या वो क्वालिटीज है जो तुम्हें तुम अपने मुझे पार्टनर बताओ कि तुम वो अनूप जलोटा के साथ, तुमने बिग बॉस में उसके साथ शादा रचाने की बात की थी, तुमने खुद सलमान खान को कहा था, तो तुम मुझे बताओ वो अनूप जलोटा से तो मैं 100 गुना यंग हूं, खूबसूरत हूं। मेरे बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शादी विधि वाली कोई बात नहीं। शादी तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी, और मैं भी आऊंगी, अनूप जी भी आएंगे, और सब सब आएंगे, बहुत प्यारी सी, ठीक है? मेरी दोस्त भी यहाँ पर है सोनिका, वो भी बहुत हंसती है, पता नहीं उसको हंसी आ रही है ये तुम्हारी शादी पर। बट गाइस, जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज दीपक के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढे, और डेफिनेटली दीपक को डीएम करें, है ना? मुझे भी डीएम कर, मैं भी देख लूंगी भाई कौन सी लड़की हमारे दीपक, और ठीक मुझे है? दीपक से जल्दी से छुटकारा दिलवा दो, और दीपक के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, और उसके बाद में मुझे अनूप जलोटा और दीपक, अनूप जलोटा की शादी में दीपक को मैं बुलाऊंगी और उसको नचा के उसको शगुन दूंगी, और दीपक मेरी शादी में नाचेगा, चढ़ गई गरी मेरी नार सुनहरे कोठे में, चढ़ गई गाली मेरी नार सुनहरे कोठे में, ऐसे नचवाएगी तू मुझे बता, ऐसे नचवाएगी? भगवान दीपक, देयर इज सो यू, सो दीपक कलाल, ये जो स्टाइल है ना तुम्हारे बात करने का, बाप रे खतरनाक। बट लोग बहुत एंटरटेन होते हैं, उनको बहुत सारा प्यार दो, और गाइस दीपक को बहुत सारा प्यार दो, और लड़कियों की पिक्चर्स भेजो दीपक को सिलेक्ट करने दो लड़की, ठीक है? और गाइस प्लीज कोशिश करके माँ बाप इन लोगों को गाली ना दो, कोशिश करके नहीं, मतलब ना ही दो, बिकॉज ये सही नहीं। जितनी गाली देनी दीपक को दे दो ना यार, और दीपक भी आपको ही गाली देगा। दीपक ना अपने माँ को गाली देना, आप लोग इस माँ को गाली दो, ठीक है? रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स की, उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, दोष नहीं है, ठीक है? एंड एंजॉय करो, ठीक है? चलो, ठीक है, और मुझे टाटा कर जाओ, टाटा टाटा, और मुझे प्यारी सी पप्पी दो, मौ टाटा बाय गाइस, बाय। बाय। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि जसलीन मेरे लिए लड़की ढूंढने वाली है।